नमस्कार स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद प्रत माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो जाते हैं और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलते हैं धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित ये व्रत पंद्रह दिनों के होते हैं मान्यता है कि इस व्रत को करने से लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं दरिद्रता का वास नहीं होता और साथ ही समृद्धि में वृद्धि होती है ज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में महालक्ष्मी व्रत कब है कब शुरू और कब समाप्त होगा अष्टमी की तिथि क्या रहेगी व्रत की विधि क्या है चंद्रोदय का समय क्या रहेगा साथ ही करना ना भूले तीन काम तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो महालक्ष्मी व्रत के दिन व्रति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें घर के मंदिर में लकड़ी के पांटे या चौकी पर लाल वस्त्र बिछा उस पर कलश की स्थापना करे कलश को कलावे से बांधे कच्चा नारियल और आम के पत्तों के स्थान पर आठ पान के पत्ते नारियल के नीचे रखे जो अष्टलक्ष्मी के प्रतीक है महालक्ष्मी की मूर्ति रखे लक्ष्मी जी की पूजा करे इन दिनों में माँ के अष्ट सिद्धियों की पूजा लक्ष्मी के रूप में की जाती है घर में पति पत्नी दोनों ही पूजा कर सकते हैं एवं व्रत रख सकते हैं नियमित रूप से सफेद मिष्ठान किशमिश मिश्री अथवा पंचमेवे का भोग लगाएं। आरती करें सोलह दिन तक व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा यदि सोलह दिनों तक व्रत नहीं कर सकते तो अष्टमी पूर्णिमा या फिर अष्टमी अर्थात तीन दिन का व्रत करने से ही माँ लक्ष्मी के व्रत पूर्ण हो जाते हैं लेकिन इन दिनों पूरे नियम संयम आचार विचार खान पान की शुद्धता का ध्यान रखें सोलह दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन अश्विन कृष्ण अष्टमी को होता है सफेद मिष्ठान खीर किसमिस आदि से युक्त भोजन बनाकर किसी सौभाग्यशाली महिला को भोजन कराए उनको वस्त्र श्रृंगार की सामग्री आदि दान करे महालक्ष्मी व्रत का समापन करे महालक्ष्मी व्रत में तीन काम करना बिल्कुल ना भूले माता के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाये और माता को सफेद मिठाइयों का भोग लगाए साथ ही इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना बेहद शुभ माना गया है अगर आप 16 बार पाठ कर सके तो बहुत ही उत्तम होगा महालक्ष्मी व्रत को गजलक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है गजलक्ष्मी व्रत के दिन हाथी की पूजा की जाती है और महालक्ष्मी के गजरूपी स्वरूप की भी पूजा की जाती है साल 2023 में महालक्ष्मी व्रत का आरंभ होगा 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को चंद्रोदय का समय रहेगा दोपहर तो 12:51 पर महालक्ष्मी व्रत पूर्ण होगा 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को चंद्रोदय का समय रहेगा रात के ग्यारह बजकर बाईस मिनट पर संपूर्ण महालक्ष्मी व्रत के दिन रहेंगे 15 अष्टमी तिथि का आरंभ होगा 22 सितंबर की दोपहर एक बजकर पैंतीस मिनट पर और समाप्ति होगी 23 सितंबर की दोपहर बारह बजकर सत्रह मिनट पर